या भी विभूति भी है। जिन विभूतियों द्वारा इमान लोकान व्याप्यत्वम तिष्ठसि, इन लोकों को फैलाकर आप बैठ जाते हो, कि अशेषण दिव्या आत्म विभूतिया वक्तुम अरहसी, क्योंकि सारी देवी जीवात्मरूप विभूतियां बताने में समर्थ हो। याभिय विभूति भे इमान लोकान व्याप्यत्वम तिष्ठसि, कि अशेषण दिव्या आत्म विभूतिया वक्तुम अरहसी। भावार्थ, गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में पूर्व वर्णित जिन रुद्र सहित 11 विभूतियों द्वारा इन स्वर्ग नरकादि तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांतिधाम में बैठ जाते हो, क्योंकि वे सारी श्रेष्ठ देवी जीवात्मरूप विभूतियां बताने में आप त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ हो। वी माने विशेष, भूति माने रचना, उत्पन्न हुई रचना, विभू उन्होंने अर्थ लगा दिया है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी अर्थ नहीं है, विभू से बनता है विभूति। जो सप्तऋषि हैं, जो 8 नारायण हैं, वो भगवान की विभूतियां हैं। शिव की अष्टमूर्तियां, जो सभी धर्मों के पूर्वज हैं, 4 ब्रह्मा के पहले पहले पुत्र, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, ये भगवान की विभूतियां हैं। जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच का पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाने वाला शिव सुप्रीम सोल आता है, ज्योति बिंदु निराकार, और वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है, जानकारी देता है अपनी, मनुष्य सृष्टि के बाप की और प्राणी मात्र की, मुख्य मुख्य पार्ट धारियों की भी, जिन्हें गीता में कहा गया विभूति या वी माने विशेष, भूति माने विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली, तो उन सब का परिचय देता है। कब परिचय मिलता है? परिचय तब मिलता है जब वो बाप स्वयं ही प्रत्यक्ष होकर, कोई मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होकर परिचय देते। तो मुकर्रर रथ है तो जरूर साबित होता है, कोई टेम्परेरी रथ भी होगा। कौन हुआ? जो आज है कल, कल न रहे तो कैसा रथ हुआ? रथ हमारा शरीर, तो टेम्परेरी रथ हुआ। और जो पहले भी था, आज में भी था, मध्य में भी हो और अंत में भी काबिज बना रहे, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ हो, उसका कभी जन्म मरण होता ही नहीं। 33 करोड़ देवताओं में से कौन सा ऐसा देवता है जो जन्म मरण के चक्र में दिखाया ही नहीं जाता? कौन? शंकर ही एक ऐसा देवता है जिसकी जन्म मृत्यु नहीं दिखाते, कोई जन्म कुंडली नहीं।